संतों ने कहा, उदारता रहित जीवन जगत के लिए अनुपयोगी सिद्ध होता है, उसमें ही जगत की दासता उत्पन्न होती है, जिसके होने से मानव अनेक प्रकार के अभावों में आबद्ध हो जाता है। यदि सब प्रकार के अभावों का अभाव करना है तो उदारता को अपनाना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। उदारता की अभिव्यक्ति तभी होती है जब मानव किसी मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य का दुरुपयोग ना करे। जिस किसी को जो कुछ भी मिला है वो किसी परम उदार की ही देन है, तो क्या मिले हुए का दुरुपयोग ना करने का दायित्व मानव पर नहीं है? अवश्य है। बल का दुरुपयोग ना करने पर ही बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य आती है। बल का सदुपयोग करने पर विश्व शांति सुंदर समाज का निर्माण स्वतः हो जाता है। इस दृष्टि से प्रत्येक मानव विश्व शांति के यज्ञ में सहयोगी होकर के स्वाधीन हो सकता है। बहनों भाइयों, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अविनाशी है। उसमें यदि हमें सामर्थ्य प्रदान की है तो इसका आशय यह कदापि नहीं है कि हम उस सामर्थ्य का दुरुपयोग करें, किसी को पीड़ित करें। इससे सामर्थ्य का विनाश होगा। उदारता पूर्वक किसी कार्य के संपादन में शांति प्राप्त होती है और चिर शांति की खोज हम अपने अंदर अपने अविनाशी तत्व से साक्षात्कार करके ही पा सकते हैं। हमें अपने मोह तथा प्रमाद को चूर्ण करके अपने हृदय में स्थित ईश्वर से साक्षात्कार करना है। यही हमारे जीवन की अभीष्टता है, तभी जीवन सार्थक है, चिर शांति है, बाकी सब परिवर्तनशील है। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम।